तैयार किया हो बच्चों, तुम्हें तैयार किया कि नहीं? अभी नहीं तो कब कब करोगे? रोज रोज एक एक काम किया वो करा वो सर तैयार कराए सर बोल रहे तुमने किया कराया था मैंने था।
छोड़ा देखना, मान जैसे लड़कियों के देखो एक बंगाल से एक छोटी लड़की है, लड़की से भी छोटी है, इसका जैसे वो इतना फेमस हो गई, इतने क्षमता में हो गई, क्या शिष्य है वहाँ क्या ना उसको नाम तो बंगाली दिखाऊंगा देख रहे वो इतना फेमस हो गई, इतने छोटे छोटे वीडियो छोड़ते हुए फेमस हो गई बंगाल जगन्नाथ मंदिर के पीछे समुद्र है, समुद्र है ना, उसके
उसकी बड़ी चिंगाड़ नहीं आवाज आती, बड़ी तेज आवाज आता समुद्र। लेकिन जैसे ही आप जगन्नाथ जी के एक सीढ़ी पे पैर रखोगे सिंह द्वार में, समुद्र की आवाज बंद। जगन्नाथ मंदिर के अंदर बिल्कुल समुद्र की कोई आवाज नहीं है, बताते हैं इनको हनुमान जी ने वहां रोक दिया, कोई आवाज नहीं। उसके पास में एक जगह है स्वर्ग द्वार, बताते हैं कि जो भी जिसको भी वहां जलाया जाता है ना वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो वहां लोगों को उनको जिनका अंतिम संस्कार होने के बाद लाया जाता है, तो जब लोगों का अंतिम संस्कार होता है उसको जलाया जाता है, तो उसमें से एक महक आती है, बदबू आती है, कुछ आती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करोगे मंदिर में बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा जबकि वो पास में है। ऐसी बहुत सारी आश्चर्यमय घटना है। बताएंगे ना जगन्नाथ जी के ऊपर एक चक्र है सुदर्शन चक्र, आप कहीं से भी देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा आपकी तरफ है, आप इधर जाओगे तो इधर हो जाएगा, और वो कहीं से भी जगन्नाथपुरी से देखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने देखी, मैंने यूट्यूब में देखी और लोगों ने उस पर रिसर्च कर रहे हैं और आज तक पता ही चला ऐसा हो क्यों रहा है। और एक बात और मैंने इसमें सुनी कि जो जगन्नाथ जी का जो विग्रह चेंज होता है 12 साल में है ना, उसको क्या बोलते हैं नवकलेवर, जो जगन्नाथ जी का विग्रह चेंज होता है ना, तो बताया गया उस दिन पूरे CRPF पूरी मिलिट्री वहां लग जाती है और जगन्नाथ जी की वहां लाइटें बंद करती जाती है, पूरे जगन्नाथपुरी की लाइटें बंद हो जाती है, कोई उजाला नहीं होता। और पुजारी जो होते हैं ना वो जगन्नाथ जी के अंदर से करते हैं ब्रह्म को निकालते हैं, वो पंडित लोग बताते हैं, तो जो भी उसको निकालता है ना कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति होता है, वो हर किसी को नहीं होता, वो कोई स्पेसिफिक व्यक्ति होगा, जो होगा उसकी आंखें बंद कर देंगे, हाथों में पट्टी, पूरे शरीर उसका ढक देंगे, वो देख नहीं सकता, किसी से कुछ नहीं सकता। तो बताते हैं कि जगन्नाथ जी के अंदर से जब नए विग्रह के अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीज निकलती है जैसे कोई उछल रहा हो खरगोश टाइप का। और जो पंडित ना उनका इंटरव्यू आता तो बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज निकलती है जगन्नाथ जी के विग्रह के अंदर से जो उछलती है और इतनी रोशनी होती है उस समय पूरे मंदिर में रोशनी लगती है, लेकिन वहां की सारी लाइटें बंद करी होती है इतनी रोशनी लगती है, तो आश्चर्य में घटना। लेकिन जो व्यक्ति जो ये चीज करता है ना वो कुछ दिनों में शरीर छोड़ देता है, ये उसको पता होता है। जो व्यक्ति भी उसके अंदर जगन्नाथ जी का विग्रह प्रतिष्ठा करता है वो कुछ दिनों में शरीर छोड़ देता है, उसे पता होता है। तो ऐसी आश्चर्य आश्चर्य में घटना है ना जगन्नाथपुरी को, जाना तो जरूर चाहिए, एक बार देखना चाहिए ना। तो कौन कौन व्यक्ति नहीं गया जगन्नाथपुरी, काफी लोग नहीं गए, आप सब लोग जरूर जाना एक बार। मैंने बताया था ना ये कलयुग का धाम है ना जगन्नाथपुरी, आगे देखो हमारे श्यामानंद प्रभु जी कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं बता रहे थे। ये जगन्नाथपुरी मंदिर है ये क्या है, यह द्वारका स्वरूप है नीलांचल, यह भगवान की ऐश्वर्य में सेवा होती है। 20,000 पंडित लगे हुए जगन्नाथ जी की सेवा में है? और कितने में 7 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को, 7 बार भोग लगता है, और भोग लगने के बाद उनके वस्त्र चेंज होते हैं है? हर बार उनको भोग लगता है, हजारों हजारों कुंतल भोजन उनका भोग लगता है, 100 किलो चावल जगन्नाथ जी के प्रिय, इतना भोग लगता है जगन्नाथ जी को, बिल्कुल ऐश्वर्य में सेवा होती है। जगन्नाथ जी क्या करते हैं जब उन्हें ब्रज की याद आती है ना तो लीला करते हैं है ना, कल क्या थी हेरा पंची है ना, तो भगवान जी क्या करते हैं बीमार अस्वस्थ होने की लीला करते हैं। जैसे हमने सुना था स्नान यात्रा में हजारों हजारों घड़ों से उनका अभिषेक होता है, उनको स्नान कराया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं लीला करते हैं, इन्हें बीमार पड़ गया और 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। जब 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाते हैं तो ये जगन्नाथ जी क्यों करते हैं, लक्ष्मी जी को ना सेवा देते हैं, सेवा देते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है ना तो उसकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसकी बात सारी बात मानता है कि अरे व्यक्ति बीमार है, तो जगन्नाथ जी क्या करता है बीमार हूँ, फिर वो क्या चाहते हैं कि मैं बीमार थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ मैं, तो मैं क्या करना चाहता हूँ मैं थोड़ा बाहर टहलने जाना चाहता हूँ, मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ, मौसी वाले उनकी गुंडीचा कहते हैं मौसी के घर जाना चाहता हूँ। तो बताएंगे 15 दिन में जो जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते कहाँ होते हैं, वो दर्शन होते हैं अलारनाथ, अलारनाथ। तो 15 दिन वहां जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं, तो वहां बताया गया कि वो जो दर्शन होते हैं ना वो तो कहते हैं नारायण स्वरूप है, वहां के जो पंडित है ना उनसे पूछे किनके विग्रह,
यही जगन्नाथ है और यही नारायण है, और ये नारायण के तो हम तो भर कर दो कृष्ण के उपासक है ना, हम तो नारायण नारायण तो महाप्रभु कौन है, महाप्रभु कौन है, स्वयं वो राधा रानी के भाव लेके आए, स्वयं राधा रानी के अंतकरण के भाव लेके आए, तो वो नारायण के भी दर्शन करेंगे तो इसका क्या कारण है। और महाप्रभु दर्शन नहीं करते जब प्रणाम करते ना, तो वहां क्या करते भूमि है ना वो भी पिघल जाती है, जिस पाषाण के ऊपर महाप्रभु ने प्रणाम किया था आप वहां जाके देखना बिल्कुल हाथों के निशान सर के निशान पैरों के निशान वो पिघल गया, वो स्थान बिल्कुल पिघल गया, द्रवीभूत हो गया बिल्कुल। ऐसे क्या कारण था, तो क्यों महाप्रभु के दर्शन क्यों करने अलग थी, तो इसके विषय बताते हैं कि जब रासलीला के समय गोपियों को मान हो गया, क्या उनके अंदर क्या अभिमान हो गया कि कृष्ण उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, बताएंगे ना गुरुदेव अभी परसों कथा में बता रहे थे मॉर्निंग में चले गया था क्या कथा बता रहे थे कि महाप्रभु इतनी तेज नृत्य कर रहे हैं, इतनी तेज नृत्य कर रहे हैं कि सबको लग रहा है महाप्रभु हमारी टोली में है ना, महाप्रभु की कितनी तेज गति है, तो उसी तरह कृष्ण तो रासलीला में ऐसे रास करते हैं कि सब गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमारे साथ है, तो उनको अभिमान हो गया, तो भगवान क्या भगवान ने क्या किया अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान, जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने ढूंढने लगी, तो भगवान ने क्या करा उनका भाव बंद करने के लिए अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, ऐश्वर्य कैसे प्रकट किया चतुर्भुज नारायण के रूप में आ गए, भगवान देखो गोपियों के सामने नारायण बन के आ गए। अब क्या हुआ तो गोपियां आई अब प्रणाम करके पूछती हैं आपने कृष्ण को देखा, नारायण अरे भैया मैं तो नारायण कृष्ण को कहा ग्वाला है पीताम्बर पहन के घूमता है कंबल ओढ़ के रखता है कुछ भी नहीं उसके पास, तो मैं देखो नारायण स्वर्ण ऐश्वर्य सब कुछ स्वर्ण वेशभूषा सब कुछ ऐश्वर्य में चतुर्भुज, और गोपियां प्रणाम करके पूछ रहे कृष्ण को देखा मेरी तरफ कोई वैल्यू नहीं है, कृष्ण कह रहे मैं नारायण बन गया मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये पूछ ही नहीं रही और चले गई गोपियां। तभी उधर से क्या हुआ राधा रानी है, राधा रानी आती लेकिन भगवान ने ना अपने चतुर्भुज रूप को संभाल नहीं पाए, राधा रानी को देख के संभाल नहीं पाए, राधा रानी ने उन्हें पहचान लिया, राधा रानी ने उन्हें पहचान लिया। तो यहाँ पे बताया गया एक गोपियां वो थी जिन्होंने चतुर्भुज नारायण का वो कृष्ण का दर्शन किया चतुर्भुज रूप में, एक गोपियां वो थी जिन्होंने राधा रानी के अनुगत्य में राधा रानी के अनुगत्य में गोप नारायण का दर्शन किया। तो जब भगवान कृष्ण ने नारायण रूप रखा हुआ था ना जो राधा रानी के साथ गोपियां आई थी, तो भगवान कृष्ण तो अपना रूप धारण कर ही नहीं पाए, तो उनका वो कहां थे एक गांव का नाम है बैठा गांव बैठा, तो वहां क्या होता भगवान के जो दो हाथ है ना बैठ गए यानी गायब हो गए, तो बताएगा वही स्वरूप वही स्वरूप का है अमरनाथ में, तो वहां 15 दिन वही दर्शन होते हैं जिन्हें वहां के पंडित कहते हैं नारायण है, तो वास्तव में नारायण ही है वो वही कृष्ण है जो राधा रानी ने जिनके दर्शन किए थे। तो बताएंगे जो गोपियां है ना देखो दो तरह की गोपियां थी, एक पहले गई जिन्होंने चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया और चली गई, एक गोपियां वो थी जो राधा रानी के साथ थी उन्होंने द्विभुज रूप में दो हाथ के रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन किए है ना, तो बताएंगे उन्होंने वास्तविक राधा रानी के अनुगत्य किया है। यदि भी अगर देखा जाए तो मीराबाई मीराबाई ने भी ब्रज का भजन किया लेकिन उन्हें कहा स्थान मिला द्वारका में, क्यों उन्होंने गोपियों का अनुगत नहीं किया, गोपियों का राधा रानी का अनुगत स्वीकार नहीं किया इसलिए उन्हें द्वारका में स्थान मिला। अब जैसे तैसे वो 15 दिन वही दर्शन होते हैं, उसके बाद जो महाप्रभु है भगवान लीला करते हैं और जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जाना चाहते हैं, गुंडीचा मंदिर को क्या बताया गया क्या बताया गया इंद्रांज यानी वृंदावन, वो वृंदावन बताया गया। तो महाप्रभु जी जब देखते हैं वो उसकी हालत देखते हैं मंदिर की हालत, क्योंकि वो क्या एक साल से बंद पड़ा है कीटें पत्थर लकड़ी कंकड़ बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो महाप्रभु जी देखो बड़ी कैसे पीड़ा करते हैं वो अपने सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र को बुलाते हैं, कहते हैं राजा से बोलो इस बार हम मंदिर की सफाई हम करेंगे, तो कहते ठीक है। तो जो राजा के जो राजा था ना वो कहता नहीं ये तो महाप्रभु है, उन्होंने अपने सेनापति को बोला था कि महाप्रभु की सेवा में कभी कोई कमी ना रह जाए उनकी आज्ञा का पालन करना, तो महाप्रभु कह रहे नहीं हम तो उनके साथ करेंगे, अगर इस बार सेवा हमें दो राजा की सेवा क्यों करेंगे,
काम करेंगे। तो बड़ी मुश्किल से मनाया। तो उन्होंने कहा महाप्रभु से पूछा आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा काम करो हमें 100 झाड़ू और 100 मटके दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो महाप्रभु जी ने किसी अपने भक्तों को बताया नहीं कल हम कुंडी से मंदिर साफ करने जाएंगे। उन्होंने सब भक्तों को कहा कि सबको बोल दो कल मंगल आरती में आना। और सारे के सारे भक्त मंगल आरती में आ गए। अब मंगल आरती में आए जो बताया गया वहां महाप्रभु ने सबको तिलक करा और माला पहनाई। अब मेरे जैसे भी कुछ भक्त थे वहां तो सबने बढ़िया कहा बढ़िया भैया माला भी मिलती तिलक भी मिलता है और मटकी भी लेते हैं दूध जरूर अभी खीर प्रसाद मिलेगा है मटके लगे 100-100। अब तो आनंद है मंगल आरती का बड़े बड़े प्रसाद मिलेगा। लेकिन महाप्रभु ने क्या करा झाड़ू पकड़ा दी दो झाड़ू कहना मैं तो सोच रहा हूँ मटके में क्या मिलेगा कुछ खीर मिलेगी कुछ चावल मिलेगा। महाप्रभु क्या पकड़ा रहे झाड़ू है और कुछ नहीं बोला किसी को सबको झाड़ू पकड़ा दी। और नगर संकीर्तन करते हुए कहा चले गए गुंडीचा मंदिर। अब गुंडीचा मंदिर पहुंच के महाप्रभु ने किसी को कुछ नहीं कहा कि आपको क्या करना। महाप्रभु सर झाड़ू करने लगे है ना झाड़ू करने लगे। उनको देख के सारे भक्त समझ गए कि हमें मंदिर को सफाई करनी है हम सब करते हैं सफाई में। अब देखो दो तरीके के भक्त होते हैं। एक होते हैं कि भैया महाप्रभु कर रहे तो हम धर्म नहीं कर सकते सेवा भाव। और एक होते हैं मेघदरा कामचोर तो साइड में झाड़ू करेंगे हम मतलब ब्राह्मण कुल के हैं हम झाड़ू करेंगे है साइड में रहते हैं। तो महाप्रभु ने देखो दो तरीके के व्यक्ति थे वहां। एक व्यक्ति को तो शासन किया कैसे क्या कर रहे है अच्छे से सफाई करो। और एक व्यक्ति ऐसे थे जो दिखाने के लिए झाड़ू पकड़ के थोड़ा सा तुम्हारे महाप्रभु जी उनके पास गए उनको दंडवत प्रणाम कर रहे अरे वाह क्या झाड़ू लगा रहे हो अरे इतने झाड़ू मत लगाओ ये जो फर्श है घिस जाएगा इतना अच्छी सफाई मत करो ये फर्श घिस जाएगा ये कहां से सीखी तुमने इतनी अच्छी सफाई करना। एक काम करो तुम विद्यालय पढ़ लो विद्यालय पढ़ लो इतनी अच्छी सफाई करना कहां से सीखी। और वो पानी पानी हो जाते हैं भगवान ये धरती फट जाता है। तो महाप्रभु जी ऐसे करके उनको शिक्षा देते हैं और कंपटीशन रख देते हैं। क्या कंपटीशन रख देते हैं जो व्यक्ति जितनी ज्यादा सफाई करेगा और जितना जो भी एक कूड़ा कचरा इकट्ठा करेगा उसको मैं अपने हाथ से स्वयं मिठाई खिलाऊंगा। और सब रख जाते हैं खुद सफाई होती है। उसके बाद जब सफाई हो जाती है फिर महाप्रभु क्या करते हैं वहां पर एक सरोवर है इंद्रधनुष सरोवर वहां से कहते हैं सबको जल लेके आओ। तो सब एक एक करके पंक्ति बना के वन बाई वन और पूरी मंदिर की सफाई करते हैं। अब देखो कुछ तरह के कुछ भक्त क्या करते हैं वो थोड़े कुछ ऐसे भक्त होते हैं बड़े तेज होते हैं है ना अपना काम निकालना जानते हैं वो क्या करते हैं महाप्रभु जी के चरणों में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और दूसरी तरफ से दूसरा भक्त क्या करता है चरणों में पान कर देता है अभी उसी भी सारा करता है तेज मार के। अब वो इधर से आता है दूसरा भक्त पानी डालता है दूसरा चरणों में पान कर देता है ऐसे करते करते। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं तो थोड़े बड़े सीधे साधे तो तेज व्यक्ति होते हैं उनका अपना काम कर जाते हैं फंस पड़ जाते हैं। तो थोड़े मूर्ख से व्यक्ति होते हैं है ना सीधे साधे से मेरी तरह। अब वो गए वो भी जब चरणा में पड़े गए तो महाप्रभु पकड़े कि हो क्या रहा है सारे के सारे तो पड़े उन्होंने मेरे पैरों में भी डाल दिए क्या गड़बड़ है पकड़ लिया। और बुलाया श्री दामोदर को तुम्हारा घोड़ी क्या है क्या कर रहे हैं श्री दामोदर भी आए अरे क्या हो गया प्रभु महाप्रभु अरे मेरे चरणा में उनका पान कर रहा है यह ठाकुर जी के सामने मेरे चरणारविंद का पान कर रहा है तुम्हारी शिक्षा क्या दे रहे वो अपने आपको महाप्रभु क्या कहते हैं भक्त हूँ जो कभी नहीं बोलते मैं भगवान हूँ वो भक्त कहते हैं भक्त हूँ। तो जैसे हम देखते हैं ना जब हम भगवान के ये पटवन कर देते हैं तब जाके प्रणाम करते हैं एक दूसरे को ना वैसा से हम प्रणाम करते हैं ना तो भगवान के सामने कभी एक दूसरे को प्रणाम नहीं करते तो वहाँ महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं मैं भक्त हूँ आप मुझे प्रणाम मत करो या मेरा चरण का पान मत करो। सिर्फ और सिर्फ किसको प्रणाम किया जा सकता है ठाकुर जी के सामने गुरुदेव को पता नहीं आचार्य मां विजानिया मैं और भगवान क्या कहते हैं मुझमें और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं है तो हम ठाकुर जी को प्रणाम कर सकते हैं। तो फिर वो स्वरूप दामोदर जी उसे भाले जाते हैं थप्पड़ मारते उसे है क्या कर रहे हैं आप उसे भाले जाते बोलते हैं बहुत बढ़िया तुम बहुत बढ़िया अकेले अकेले बेटे नहीं लगा अकेले तो देखो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं होती है बड़ा मंदिर साफ करते हैं कैसे साफ करते हैं लेकिन एक चीज है जो भी वो सफाई करते हैं ना हरी बोल हरे कृष्णा हरे भगवान का नाम लेते हुए जो भी वो कार्य करेंगे ना अगर भगवान का नाम लेते हुए करेंगे तो क्या कहलाएगा भक्ति। और अगर कोई भी कार्य कर रहे
और भगवान का नाम लेंगे ले जाएंगे देंगे तो क्या क्या रहेगा वो कर्म। हमें क्या करना है भक्ति। तो बताइए हमारे हमने साथ किया फिर उसके बाद कल हमारे श्यामानंदपुर मुझे बड़ी अच्छी बात बताए थे। कल क्या था कौन सी तिथि थी कल 13 पंचमी उसको लक्ष्मी विजय तिथि भी बोलते हैं है ना। तो कल प्रभु जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई लेकिन एक बात थी कल लक्ष्मी जी की तिथि थी लेकिन उन्होंने क्या लक्ष्मी जी की बुराई कर दी कि लक्ष्मी जी ऐसे आई घुसकर करा उन्होंने जगन्नाथ जी के पंडों को पकड़ा मारा है उनको धमकी दे दी है। उनका तिथि थी उनकी तो उनकी तो महिमा का गान करना चाहिए था है ना। और ये भी बता दी कि लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है जैसे हमें अलारनाथ में हुआ था ना मैंने बताया अलारनाथ में 15 दिन में दर्शन होते हैं तो वहां तो बहुत भीड़ ना रही थी कोई देखा ही नहीं लेकिन लक्ष्मी जी ने जैसे कृष्ण को देखा रासलीला में वो नारायण को छोड़ के भाग के आ गए नारायण को छोड़ के भाग के आ गए लेकिन उन्हें ब्रज में प्रवेश नहीं मिला। तो कल हमारे प्रभु जी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों से बता रहे थे तो यही कारण है कि जगन्नाथ जी की यात्रा में ना लक्ष्मी जी नहीं जाती यही कारण है। वो सुभद्रा जी जाते और बलदेव जी जाते हैं और जगन्नाथ जी जाते हैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाते यही कारण है प्रवेश ही नहीं है। तो कल हमने लक्ष्मी जी की महिमा का तो गुणगान नहीं किया और क्या करा उनको विलेन बना दिया फिल्म का है ना। तो थोड़ा लक्ष्मी जी की महिमा का गुणगान कर लेते हैं क्योंकि सबसे प्रिय क्या है लक्ष्मी जी है ना हर व्यक्ति को क्या चाहिए लक्ष्मी जी। तो एक छोटी सी कथा है एक बार भगवान कहते देखो बड़ोद के भक्त कितने भक्त कितने अच्छे हैं ये देखो कितनी भक्ति प्रचार हो चुका है भक्त का जब देखो भगवान का नाम लेते रहते हैं भगवान का नाम लेते हैं बहुत अच्छे हो गए बड़ोद के भक्त। लक्ष्मी जी कहते हैं अरे कोई भक्त भक्त नहीं है ये सब क्या करें मेरी इच्छा कर रहे हैं मेरे को मेरा नाम ले रहे हैं ये सब मुझे चाहते हैं। नारायण कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये देखो सब कैसे भगवान का नाम ले रहे हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं अच्छा परीक्षा हो जाए कहते चलो परीक्षा हो जाए। अब नारायण आते एक कथावाचक के रूप में आ जाते हैं गुरुवर के तो एक जाते हैं सेठ के घर पे जाते हैं बोलते हैं भैया मेरे को यहाँ भागवत करनी है 7 दिन की ठीक है मुझे भागवत कथा करनी है और मैं कोई पैसे नहीं लूंगा ठीक है लेकिन मैं सबको कथा का दान करूंगा। अब स्वयं नारायण देखो कथा करने आए तो 2-4 लोग लड़ने लगे नहीं नहीं हम कराएंगे कथा हम कराएंगे। तो लड़ते झगड़ते व्यक्ति का बड़ा हट्टा कट्टा था काफी अच्छा उसकी पहुंच थी वहां का चौधरी था उसने कहा नहीं ये मेरे यहाँ रुकेंगे मेरे द्वारा कथा होगी। तो फाइनल हो गया कि वो उनके घर रुकेंगे। अब नारायण है वहां गए वहां उनके घर में उनकी बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी रहने की और उनको बोला कल से तुम्हें वहां कथा करनी है जैसे मंदिर है ना तो क्या बोलते हैं जगह को बहुत सारे कुछ बता दी यहाँ कथा का पंचवटी में भागवत कथा होगी तो चलो भाई पंचवटी में कथा हो गई। अब पहले दिन कथा हुई पूरे बड़ों के लोग आए बहुत बढ़िया प्रोग्राम सब कुछ हो रहा है अच्छे बड़ा अच्छी कथा हुई। दूसरे दिन और लोग आगे अड़ोस पड़ोस के भागवत भागवत भी आ गए भैया बहुत अच्छी भागवत हुई कौन कहते नारायण कर रहे भैया सारे लोग आ गए। अब लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बारी है हमें आती अब लक्ष्मी जी आई एक बुढ़िया का रूप लेके आई। अब एक भक्त का एक माता जी थी फटाफट क्या ताला लगा रही थी कि भैया टाइम हो गया है 7 बजे कथा होने का 6 बजे कथा होने का टाइम शुरू हो गया है ताला लगा रही थी बुढ़िया आ गई बेटी बेटी मैं बहुत प्यासी हूँ थोड़ा पानी मिलेगा। उन्होंने कहा अम्मा आपको अभी आना था मैं कथा में जा रही हूँ तो वैसे लेट हो रही हूँ और आप कह पानी पिला दो। अब उसने कहा छोड़ो ये बुढ़िया आई गई है मेरे को कथा में भी जाना है पानी पिलाई देती हूँ। वो फटाफट अंदर से गई उसने इसके गिलास में पानी भरा और बुढ़िया को दे दिया। जैसे लक्ष्मी जी ने पानी पिया और गिलास लुटा दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उसने गिलास देखा अरे तो सोने का गिलास मैंने दिया इसको इसका गिलास दिया था स्टील का अरे क्या हो गया सोने का। उसने कहा माता जी आपको भूख तो नहीं लगी नहीं आपका खाने का क्या हो रुको कहते नहीं बेटा मैं पानी पी रहा था नहीं आप रुको। वो फटाफट गई अंदर से बड़ी सी थाली ढूंढी उसने उसमें रोटी सब्जी सब पड़ा था खाने दो खाओ खाओ। लक्ष्मी जी ने अच्छा ठीक है उन्होंने लक्ष्मी जी ने जो भी उसके घर में बना था पानी के अंदर से थाली लौटा की थाली भी सोने की। उन्होंने कहा वाह कह रही आप यहीं रुको आज डिनर भी करके जाना कह रही नहीं बेटा तुम जाओ तुम्हें कथा में लेट हो रही है माता जी कथा तो मैं रोज ही जाती है कि नहीं जाऊंगी क्या हो जाएगा आप जैसे लोग मेरे घर में आते हैं सेवा करने का अवसर मिलता है मुझे है और आप कह रहे कथा में जाओ नहीं नहीं आप रुको कहती नहीं बेटा मुझे और की जगह जाना है। आप भैया धीरे धीरे वो एक दो घर में चले गई खबर फैल गई कि 6 बजे के टाइम में बुढ़िया आती है और वो जिससे जो मांगती है
पानी, अगर वो पानी मांगेगी, खाना पीना जो भी मांगेगी, जो भी बर्तन रखोगे सोने का हो जाता है। तो अगले दिन कथा चल रही थी, नारायण जी पंचवटी में पहुंचे तो देखा सारी माताएं गायब, सारी माताएं गायब, कुछ लोग बैठे हुए, क्या हो गया? तो दो चार माताएं बैठी हुई थी, तो एक ने बता दिया कि महाराज ऐसी की बात है, माता जी आई हुई है, तो जिसके घर की जो खाती पीती है ना उसके बर्तन सोने के हो जाते हैं। तो जो सेठ जी थे ना जिन्होंने कथा आयोजन कराई वो भी खिसक गए, वो भी खिसक गए। ये नारायण के भगवान आ रहे, रुको रुको कथा तो सुन के जाओ। अब गिने चुने कुछ लोग बैठे थे, अब कथा हो गई, नारायण घर को आने लगे जिस घर में रुके थे। तो उससे पहले वो व्यक्ति उस बूढ़ी अम्मा यानी लक्ष्मी जी के पास गया, अरे लक्ष्मी जी आप मेरे बताओ मेरे घर के नहीं है, मैं तो भैया इतना अच्छा कथा का आयोजन करा रहा हूँ है ना, और मैं कथा करवा रहा हूँ, आप मेरे घर ही नहीं आए, सबके घर से लेके बढ़ो तो लेकिन मेरे घर ही नहीं आए। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊँ कैसे, तुमने तो एक आदमी को पहले अपने घर में रखा हुआ है, अगर वो यहाँ से निकलेगा तो मैं आऊंगी ना। अरे इतनी सी बात अभी बताता हूँ उसको, मैं दो मिनट अभी बताता हूँ। हम नारायण आए, नारायण घस गए तो नारायण अंदर आने लगे, कह रहे नहीं रुको रुको अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और जाओ। भगवान का नारायण कह रहे भैया तीन चार दिन कथा हुई है, दो दिन बची है, अभी दो तीन दिन की कथा बची है। तो नारायण ने कहा मुझे कथा तो पूरी कर ले दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं आपकी व्यवस्था अनाथ आश्रम में या किसी धर्मशाला में कर दूंगा, आप यहाँ नहीं रुक सकते। अब भैया नारायण कह रहे क्या कैसे बोल रहे थे भैया, तुमने तो बोला था पहले तो तुम लड़ रहे थे मेरे घर रहो मेरे घर रहो, अब तुम कह रहे भागो भागो, ये क्या हो रहा है? तो लक्ष्मी जी आ गई वहां बूढ़ी के रूप में, कह रही आप लड़ते हो समझाती हूँ। लक्ष्मी जी नारायण को लेकर अंदर गई, कह रही क्यों प्रभु मान गए ना? तो नारायण कह रहे हाँ मान गया भैया तुम्हारी ही गलती है। तो लेकिन नारायण कहते देखिए एक बात है, एक बात मेरी भी माननी पड़ेगी तुम्हें। कहती क्या? कहती जहां संत होते हैं और जहां हरी कथा होती है ना तो वहीं आती है। कहां आती हो? जहां संत होते हैं और जहां हरी कथा होते हैं तुम्हारी कृपा वहीं होती है। उन्होंने कहा लक्ष्मी ने कहा ये तो मैं मानती हूँ, ये तो मैं मानती हूँ। तो वास्तव में जहां हरी कथा होती है भगवान का नाम होता है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है ना। अगर अगले दिन हुआ क्या, फिर जब उसको नारायण को निकालती है ना तो लक्ष्मी जी कहेंगे मैं जा रही हूँ, तो बड़ों का आश्रय करेंगे माता आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो? कह रही भैया तुमने जब नारायण को नहीं रखा तो मैं नारायण की क्या करूंगी। तो शिक्षा देखी गई, क्या शिक्षा देखी गई कि भैया जहां नारायण की पूजा होगी ना वहां मैं रहूंगी, अब पीछे पीछे आऊंगी अपने आप आऊंगी है ना। इसलिए हमें क्या करना है, अगर नारायण को पूजेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। गुरु ने हमारे बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, लक्ष्मी की पूजा करोगे ना तो क्या कहते हैं दिवाली में ओम जय लक्ष्मी माता, बस पूरे इतना दिन भाई टाइम होता है कि इतने से इतने का मोड़ होता है वो व्यक्ति बैठ जाता है बिल्कुल लक्ष्मी माता जी लक्ष्मी माता जी। लेकिन लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन अगर अकेले बुलाओगे लक्ष्मी कैसे आती है? उल्लू में है ना, और सारा उल्लू बना के चलेगी, सारा धन आएगा उल्लू में, उल्लू बना के निकल जाएगा। लेकिन अगर नारायण जो है ना तो कैसे आते हैं गरुड़ में है ना, लक्ष्मी भी आती है नारायण भी आते हैं। तो जो भी अगर हम धन कोई भी सेवा नारायण की करेंगे ना लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप हो जाती है और सब कुछ बनने फलने लगता है। किसी किसी घर में ना छोटी सी भी इनकम होती है लेकिन नारायण की पूजा कर रहा है और थोड़ा सा नारायण की सेवा कर रहा है तो लक्ष्मी जी की इतनी कृपा होती है, उस छोटे से भी उसकी इतनी पूर्ति डालती है जितने बड़े बड़े लोगों की हो पाती है। और कई लोगों के घर इतना पैसा होता है और उनका खर्च हो पैसा, लेकिन क्या है लक्ष्मी की कृपा नहीं होती तो होने पर भी उसकी कोई गति नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना है, इसकी कृपा प्राप्त करेंगे नारायण की, तो लक्ष्मी की अपने आप कृपा हो जाएगी। वो लक्ष्मी नारायण की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की बहुत प्रेम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम।
सर्वप्रथम मेरे गुरु पादपद्मा जितने लाभ प्रतिष्ठा विष्णु पादर श्री श्री श्रीमान भक्ति स्वरूप सिद्धांत स्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि काल खंड में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव जितने लाभ प्रतिष्ठा विष्णु पादर श्री श्री श्रीमान भक्ति दास नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में प्रणाम पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव हरे कृष्णा। हम लोग गतकल्ले श्रवण कर रहे थे श्री हरदास ठाकुर जी का चरित्र, जिसमें उनका नाम हरिदास, इसमें जो हरि का दास कहते कवि नहीं वो उदास, जो हरि का दास है वो कभी दुखी नहीं होते, हर समय प्रसन्न रहते। हरि का जो दास बच्चा है उसकी इतने महिमा है कहते काल को तो सब करते, जैसे भी कोरोना आ गया सबको घर में बंद कर दिया, कोई घर से निकले नहीं डर से, लेकिन यहाँ पर कहते सारा दुनिया को काल को डरता है, लेकिन ये काल किसको डरता है? बोले काल एक व्यक्ति को डरता है, जो हरि का जो दास है वो उसको ये काल डरता है। बोले क्यों डरता है? यदि जो काल किसका करता है वो हरण करता है, इसलिए भागवत में बताए बोले आयु रहर की भाई इंसान पश्चिम दिशा में जब अस्त हो जाए हमारे एक दिन समय भी नष्ट कर दे। हम कहते हैं हमारा लाला तो बड़ा हो रहा है, जगत में कोई बड़े नहीं हो रहे, सब छोटे हो रहे, ये कितना और बोले 50 साल लोग धाम लगा रहे हैं, बोले 50 साल के नहीं हो गए, 50 साल भी नष्ट हो गया, कोई बड़े नहीं सब छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं सबका परमायु तो ये काल धारण करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु ये काल धारण नहीं करता। इसके हैं बोले जितने समय हम भगवान की भजन में भगवान की भक्ति में भगवान की कथा में भगवान की सत्संग में कीर्तन में लगाते हैं वो समय काल का कोई प्रकोप काल का प्रभाव उसको नहीं पड़ता। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, धीरे जो जब महाराज ने जो है जो चित्रगुप्त है सब लिखने वाले हैं, तो चित्रगुप्त मतलब क्या, जो चित्र मतलब होता है खंडो, गुप्त मतलब तो छुपा करके, हम जो कुछ करते हैं वो अपने आप वहाँ खटो खींच रहे हैं। जैसे मंदिर में बैठे तथा वो सब खटो खींच रहे हैं, अब तब समय बैठ कर क्या कर रहे हैं भगवान की कथा तो सुन रहे हो, सब फटो खींच रहे, जो ऊपर जाओगे ना ब्यास समझ में देखी, लेकिन जो कथा में नहीं आकर बैठ टीवी को सामने बैठे, टीवी को सामने बैठ कर उल्टा उल्टा कहते रहते उसका भी फटो खींच रहा है और उसका भी फटो खींच रहा है, हैं? और उसका उसका फल क्या नरक है, उसका फल नरक है। लेकिन जो व्यक्ति बैठ कर कथा सुन रहे हैं उसका फल बैठ उसका फल बलो मिलता है, इसलिए कहते सारा दुनिया काल को डरता है, लेकिन काल किसको डरता है? कृष्ण काल चक्र डराए लिखिया कृष्ण दास, जब वो भगवान के भक्तों को देखने को डरता है। बोले क्यों डरता है काल, क्यों डरता है? बोले काल नहीं, जो भक्त होते हैं ना वो हर समय भगवान का नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर की सेवा करते हैं, और जो भगवान की भक्ति एक काल से ऊपर है, ये काल का प्रभाव वहां नहीं पड़ता, इसलिए इनका नाम से हरिदास है। ये हरिदास दास हरिदास के कभी उदास नहीं बनते, हर समय प्रसन्न रहते हैं और हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे, इसलिए हर समय भगवान का भक्त भगवान की हरिनाम करते हैं। ये जो हरिदास ठाकुर है कौन सा कुल में जन्म हुए हैं? मुसलमान कुल। चलिए मुसलमान घर में क्यों जन्म हुए? अरे जाति कुल निरर्थक यह बुझाई थे हरिदास जन्म ले जन्म,
इसलिए उन्होंने मुसलमान धर्म ग्रंथों में कहते भगवान की भक्ति में जाति कुल ये निरंतर है। कहते बड़े ऊंचे जाति में बड़े ऊंचे कुल में भैया जाति इसका उतना महत्व नहीं। अगर भगवान की अगर भक्ति कर तो तभी इसका महत्व है। भले ही बड़े से बड़ी जाति कुल में क्यों जन्म नहीं हो अगर भक्ति नहीं किया तो सब जीरो हो। की बात जल्दी सती की बात पीछे जाती चाहिए हरि ना ही घटे तब फिर जन्म या भ्रमिया भ्रमिया गौरव कर भले तुम संन्यास की नहीं हो भले तुम सत्य की नहीं हो अगर भगवान के भजन नहीं करते हो फिर नर्क बना गए। लेकिन भले ही तुम किसी ना किसी कुल में नीचे से नीचे जन्म में क्यों जन्म नहीं हो अगर भगवान की भक्ति करते हो तुम्हारी जगत में जगत में तुम्हारी बढ़ाई है। इसलिए ये चीज को जगत में शिक्षा देने के लिए जात पात कुछ ना कोई हरि का रजास हो हरि का हो ये चीज को शिक्षा देने के लिए ये हरिदास ठाकुर थे ये जबलपुर में जन्म है। और पहले जन्म में ये कौन थे ब्रह्मा जी थे। उन्होंने क्या किया था कृष्ण के बछड़े सकाम हो गया लेकिन पहले तो समझ रहे थे कोई साधारण व्यक्ति लेकिन जब उनको पता चला कि तो मेरे प्रभु कृष्ण है भगवान है फिर उन्होंने देखा बहुत माफी मांगी बहुत नाक रगड़े भगवान माफ तो किया लेकिन हृदय से नहीं माफ किया। उन्होंने देखा अभी मेरे को क्या करनी चाहिए प्रभु मेरे को अपराध से मुक्त कैसे होगा बोले भगवान ने कितने ब्रह्म कोष दे दिया ब्रह्मा पद दे दिया इसलिए बड़ा अभिमान हो गया है अगले जीवन में और इतने बड़े घर में जन्म नहीं लूंगा छोटे जात में जन्म लूंगा तीन ही दिन होकर के ब्रह्मा पद जन्म लूंगा। इसलिए उन्होंने मुसलमान ब्राह्मण में जन्म ग्रहण किया मुसलमान धर्म में जन्म ग्रहण करते हुए तीन ही दिन करके और उन्होंने क्या देखा ब्रह्मा जी अपने मायापुर गई ना नवद्वीप परिक्रमा में जहाँ पर महापुर का जन्म था वो द्वीप का नाम है अंतरद्वीप। क्या नाम है अंतरद्वीप इसका नाम अंतरद्वीप क्यों नाम है। जब ब्रह्मा जी ने देखा अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगा देखा यही कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि भक्त के नवद्वीप में जन्म ग्रहण करे। जब नवद्वीप में जन्म लेके इतने दयालु इतने कृपालु बनेंगे क्यों राधा रानी की दया राधा जी का भाव हम कहने लेकर के आएंगे हैं ये तो कृष्ण की जगह से टेढ़े इनकी भक्ति भी टेढ़ी लेकिन हमारा राधा रानी बड़ी सिद्धि साधक बड़ी सिद्धि साधक राधा जी की बड़ी दयालु है। इसलिए क्योंकि कलयुग में राधा जी के भाव हम कहने लेकर के आएंगे इसलिए उन्हें कोई विचार नहीं करेंगे अपराध का कोई विचार नहीं करेंगे कोई भी सामने आकर के एक बार उनको प्रणाम करिए बस उनको महापुर अपना गोद में धर लेंगे उनका अपराध विचार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहां पर तपस्या किया महापुर का जो जन्म स्थान अंतरदीप में देखा यहीं पर महापुर जन्म ग्रहण करेंगे। ब्रह्मा जब तपस्या किया तो भगवान से सच्चिदानंद गौर हरि उसको दर्शन दिया और अपना अंतर की बात बताए हृदय की बात बताए इसलिए वो दीप का नाम पर दिया अंतरदीप अंतर मतलब अंतर। उन्होंने अंतर की बात बताया यहीं पर मैं सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा सर्वत्र में हरि भक्ति को जगत में प्रचार और प्रसार करता इसलिए वो स्थान का नाम कर दिया अंतरदीप नाम पड़ा। और उन्होंने देखा बस अगले जीवन में महाप्रभु का रूप में आ रहे हैं और मैं हरिदास बन करके आऊंगा मुसलमान कुल में आऊंगा और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा और सुंदरी इसलिए कलयुग में मैं दीप दिन हरिदास करूंगा और कलयुग में ठाकुर जी नाम को तरह सबसे ज्यादा प्रसन्न अपना नाम से ठाकुर जी होते कैसे होते हैं अपना नाम से जगत में उसका बढ़ाई करते उसके नाम से प्रसन्न हो जाए हैं। इसलिए भगवान कलयुग में नाम रूप में आएंगे और तीन तीन लाख का नाम करते हुए महापुरुष में सेवा करना इसलिए उन्होंने श्री नवद्वीप में अगर दुल्हन ग्राम में श्री हरिदास ठाकुर जन्म हुए। जब जन्म हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मैंने है चैतन्य महाप्रभु से पहले आगे और जगत में क्या लिखा भगवान की कोई भक्ति नहीं कर रहे कोई हरिनाम नहीं कर रहे कोई भक्ति नहीं कर रहे इतने बड़े दुखी हैं और जो भक्ति करते हैं लोग तो करते हैं ही नहीं जो करते हैं ना जो पिता लगाते गले में कंठी और जो माला जप करते हैं माला जप करते हैं कुछ ऐसे होते हैं पाखंडी पाखंडी समझते नहीं पाखंडी समझते नहीं कुछ जो पाखंडी लोग होते हैं वो तो भजन करते नहीं जो भजन करने वालों को क्या कहते हैं
ये सब क्या है, ये सब गलत में करते पिचर किया तो इतना बड़ा मुझे पिचर लगा के क्या जरूरत है, एक तो जरूरत है इतना बड़ा पिचर लगाने का, ये सब गलत में सब लकड़ी इतना कोई जरूरत है गलत है ये लकड़ी बांधने का, कुछ ऐसे कुछ लोग है जो करते नहीं और करने वालों को विश्वास जगत में बुरा है पाखंड लगे जगत में कुछ, इसलिए ये चीज को हिसार आपको देख कर भी और क्या करते हैं अपने आप को भगवान कहते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं को देख करके बड़े दुखी हुए जगत में कृष्ण भक्ति सुंदर को देखकर बड़ी दुखी है दुखी होकर के तब तक क्षण के गोविंदना में ना ही कर विरक्ति भक्ति रसे अनुज्ञान न पाए नाना मुक्ति, इसलिए कभी जीवन चरित्र बताते हैं क्या जीवन चरित्र कैसे था है? क्या क्या बताते हैं जीवन चरित्र क्षण के गोविंद नामे ना ही करते आप देखना जैसे आप कोई सोलह माला करते कोई बत्तीस माला कोई चौबीस माला करते आप देखना अगर सोलह माला अगर करते हैं कोई अगर नियम रखा होगा हम आज रोज सोलह माला करेंगे अगर सोलह माला हो जाता है ना क्या करते भैया प्रणाम प्रणाम माला करते अब दिन भर भैया दर्शन नहीं आज हो गया और दर्शन नहीं करना हो गया माला करना हो गया और दर्शन नहीं मतलब माला छोड़ने के लिए पहले तैयार है इसी तरह अगर नियमित करते से छोड़ते लेकिन इनका चरित्र बताते हैं इनका चरित्र क्या है बोले क्षण के गोविंद नाम नहीं कर व्यक्ति कभी एक क्षण भी कभी भी भगवान के नाम से कभी का विरक्ति नहीं कभी की विरक्ति नहीं भक्ति रस अनुक्रम भय आना होती जब वो भगवान के नाम करते हैं इनके शरीर में जीव प्रेम प्रकाश होता है जगत इनके शरीर में इसलिए जो कुछ करते हो लेकिन मुंह से कोई प्रभु का नाम नहीं जान सकते हर समय चलते कूदते बैठते क्या करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हर समय शंकर जी क्या करते हैं पंचमुख राम नाम दान करते हर समय शंकर जी पंचमुख भगवान की नाम करते ब्रह्मा जी का कितना मुंह है चार चतुर्मुख है ब्रह्मा जी क्या करते चतुर्मुख है भगवान का नाम ये चतुर्मुख में लेते हैं और शंकर जी पंचमुख में लेते हैं इसलिए हरिदास ठाकुर ब्रह्मा और आदित्य आचार्य बता सकते जब किसी संतों से जब कोई संत मिलते हैं ना प्रसन्न हो जाते हैं जैसे कि विषय से विषय मिलने पर खुश होता है दुनिया की बात करते हैं लेकिन एक भक्तों से जगह के भक्त मिलते हैं प्रसन्न होते हैं क्यों आपस आपस में रहेगी चर्चा होगा प्रभु की कथा होगी बड़े प्रसन्न होते हैं इसलिए पहले बताए ना बोले चार किले चौ सखी किले बीस रहे कर जो हरि जन से हरि जन मिले वहां से एक कर वहां से एक कर मतलब चार किले चौ सखी किले जब एक साधु से एक भक्त मिलते हैं सबसे पहले किसी नजर अपना आंखों से नजर मिलाते इसलिए चार किले एक भक्त का दो आप दूसरे भक्त का दो आप कितना हो गया चार जब चार मिले मतलब चौसठी किले चौसठी मतलब हमारी कितना दाम है बत्तीस दूसरा का कितना था बत्तीस जब बत्तीस बत्तीस मिलकर कितना हो गया चौसठी जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं चौसठी किले मतलब देख कर खुश हो जाते हंसते है ना हंस खुश हो जाते हैं उसके बाद में जब भक्त से भक्त उसके बाद में बीस रंगे एक दूसरे से प्रणाम करते हैं हमारे कितना अंक हुए एक दूसरे का दस दूसरा का कितना दस 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 मिलकर कितना बीस जब बीस हो गया कि भक्त से भक्त मिलते हैं दोनों दल को प्रणाम करते हैं दल को प्रणाम करते हैं और कहते हैं हरि जन से हरि जन के लिए वहां से एक कर जब ये हरि जन भक्त भक्त से मिलते हैं उनका रोम रोम भी उठना है कहते एक व्यक्ति की शरीर में कितने रोमा बली है रॉकेट कितने पचास हजार कितना है पचास हजार कितना हो गया उनका रोम रोम के लिए उठना है
इसलिए यहाँ पर जब श्री अद्वैत आचार्य और संत मिले संत समागम कथा तुलसी दूर गए संत समागम जगत में अगर सबसे यदि आनंद का अगर कहीं जगत में विषय होना संत का समागम इससे ज्यादा आनंद और कहीं नहीं इसका प्रमाण देख लो जैसे यहाँ पर बैठे कथा सुने कथा सुन रही कथा सुन रही हम संसार में किसी न किसी के रूप में सब दुखी है कोई नहीं बोल सकता संसार में सुखी है कोई तन से दुखी कोई मन से कोई धन से कोई परिवार से कोई घर से बेटी से बहू से सांस से नाम से दुखी लेकिन आप देखना यहाँ पर कितना समय बैठते हो कोई दुख तुम्हें याद है बता कोई दुख याद है लेकिन जब ये गेट को पार कर केवल गेट को पार करते ही सारी दुनिया की याद घर में ये दिक्कत घर में ये दिक्कत घर में ये समस्या लेकिन जब तक यहाँ बैठे हुए हो ना जिसे प्रभुपाद कहते थे मैंने गोलोक वृंदावन से गौड़ीय मठ नहीं प्रभुपाद कहते थे मैंने गोलोक वृंदावन से राधा रानी की जो निकुंज बने जहाँ पर राधा कृष्ण स्वयं मिलते हैं राधा कृष्ण का निकुंज महल को मैंने गौड़ीय मठ रूप में जगत में मैंने प्रतिष्ठित किया निकुंज महल जब तक यहाँ हो तब तक आप कहाँ पर हो वृंदावन में बैठे हो और जो भगवान की कथा सुनते हैं ना और ठाकुर की गोद में बैठे कहाँ पर बैठे ठाकुर की गोद में बैठे यहाँ पर जैसे एक बच्चा जब माँ की गोद में सो जाता बैठ जाता फिर निश्चित हो जाता जैसा हर असली माँ पर राधा कृष्ण ठाकुर यह सब समझता कथा नहीं भगवान की गोद में बैठे हो इसलिए जगत में अगर सबसे बड़ा अगर जगत में दुर्लभ वस्तु का आनंद वस्तु किया साधु का संग साधु का संत संग की जगत में सबसे दुर्लभ वस्तु संतों का संग इसलिए जब भी हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य जो मिले यहाँ क्या हुआ बोले भगवान के आनंद समुद्र में मस्त हो गए बोले उनके अंदर में इतने आनंद आए उनके आनंद का समुद्र यदि भाषा से इसको व्यक्त नहीं कर सकते जब श्री ब्रह्मा शंकर जब दोनों मिले दोनों ब्रह्मा शंकर है जब दोनों मिले आज आपस हरी कथा होगी हरी कीर्तन हरी भजन की करेंगे इसलिए प्रसन्न होंगे फिर उसको बाद में क्या होगा फिर हम उसको कल सुनेंगे इसको बाद में क्या होगा कल ये क्या नाम तुम्हारा क्या बोलो अरुण कल अरुण पर नया घर बनाया नया घर बनाया की इच्छा है क्या अच्छा है हमारे घर में सत्संग हो घर कीर्तन हो इसलिए आपको निमंत्रण देने के लिए हम प्रभु के आए कल कितना बजे प्रोग्राम कर रहे हो सात बजे इसलिए आप लोग अगर यहाँ पर अगर आ जाओ अच्छी बात कहाँ पर घर बता दो जाकर क्या घर कहाँ जोर से बोलो जोर से बोलो बलराम प्रभु जी के घर के पास बलराम प्रभु को जाकर नहीं कर सकता शिव मूर्ति वहाँ पर है कल सभी के लिए बढ़िया प्रसाद वैसे जब दूसरे दिन खाना सारे भंडारा एक प्रसाद होता है एकदम कल आपका घर बनाया विशेष चीज बनाया विशेष कभी यहाँ पर फल गोभी बना कर ले जाते कभी मिठाई बना देते सबसे पहले मंदिर में हलवाई की दुकान खोल रहे हैं हलवाई का दुकान खुले इतने कल विशेष प्रसाद है इतने कल कितना लेट आप नहीं करेंगे जल्दी आओगे थोड़ी कीर्तन करके थोड़ी चर्चा करके आपको जल्द 8 बजे आपको प्रसाद प्राप्त करके आपको ले जाना चाहिए ठीक है कल इतने कर जो परसू है ना एकदम आता है क्या नाम होता है बोलो मैंने क्या नाम दिया अनुराधा दास परसू ये अनुराधा दास को डर है शाम को इसको डर है शाम शाम को है ना कितने बजे 7 बजे हाँ इनके घर में सत्संग है प्रसाद है हम प्रसाद रोज रोज कथा प्रसाद आप भी आते ना आपकी बात में सब आप जाए ठीक है बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे